आखिर दोस्तों, मोर छैहा भुइयां 2 छत्तीसगढ़ी फिल्म में अनुज शर्मा को क्यों नहीं लिया गया है, ऐसा क्या कारण है और अनुज शर्मा ने इस फिल्म मोर छैहा भुइयां 2 मूवी के बारे में क्या बोला है आदि सब आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो बने रहें वीडियो में पूरा लास्ट तक। हेलो दोस्तों, मैं चुनेश्वर पटेल, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर करें। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग तो यह भली भांति जानते ही है कि मोर छैहा भुइयां फिल्म का दूसरा पार्ट मोर छैहा भुइयां 2 फिल्म बनाया जा रहा है। इससे पहले वाला फिल्म की पार्ट के बारे में बात करें तो यह छत्तीसगढ़ी फिल्मों की इतिहास में 27 अक्टूबर 2000 का दिन हर किसी को याद होगा, क्योंकि इसी दिन छालीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मोर छैहा भुइयां फिल्म को राजधानी के बाबूलाल टॉकीज में रिलीज किया गया था और इस फिल्म को देखने के लिए लोगों में इतना भारी संख्या में भीड़ ले लिया कि देखते ही देखते इस फिल्म में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम हासिल कर लिए और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्धि हासिल कर लिया गया। और दोस्तों, इस फिल्म में स्टार कास्ट का मुख्य भूमिका निभाया था छत्तीसगढ़ में जाने माने प्रसिद्ध अभिनेता अनुज शर्मा, शेखर सोनी, जागृति नायक और उनका पूरा ग्रुप टीम ने मिलकर इस फिल्म में रोल करते हुए दिखाई दिया था। अब दोस्तों, इस फिल्म का दूसरा पार्ट मोर छैहा भुइयां 2 फिल्म बनाया जा रहा है और दोस्तों इस फिल्म में पुराने सितारे को नहीं लिया गया है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि अब तक उन सभी लोगों का रंग रूप शरीर सब बदल गया है, इसलिए नहीं लिया गया होगा। और अनुज शर्मा की बात करें तो वह फिल्म लाइन से हटकर राजनीति दल में कदम रख चुका है, इसलिए नहीं लिया गया होगा। और दोस्तों, इस फिल्म मोर छैहा भुइयां 2 में लिया गया एक्टर है मन कुरेशी, दीपक साहू जिसे हम सभी लोगों ने मोहनी सीजी गाना में दिखाई दिया था, एल्शा घोष, दीक्षा जायसवाल आदि इन सभी नए किरदार मिलकर इस फिल्म में रोल करते दिखाई देंगे। और दोस्तों, यह फिल्म पहले वाला पार्ट से बिल्कुल अलग हटके बनाया जा रहा है, तो दोस्तों इस फिल्म में अनुज शर्मा को लेना चाहिए था या नहीं। और दोस्तों, आज का यह छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, नीचे कमेंट में अपना राय जरूर देना।